ਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਪਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ जी, सभी को नमो बुधाय, जय भीम। मैं रश्मि मुरादाबाद से, क्योंकि आज महिलाएं इस मीटिंग में इकट्ठा हैं तो मैं छोटा सा अपना इंट्रो देना चाहूंगी। मैं रश्मि मुरादाबाद से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत और वी द पीपल संघ से लगभग 8 महीने होने को है, अपने पूरे परिवार के साथ मैं जुड़ी हूँ। बहुत ही बढ़िया संघ है, इस संघ में सभी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे अपना परिवार बढ़ रहा है और इस कंसेप्ट का भी उद्देश्य यही है कि पहले जुड़ें और जोड़ें, ताकि हम लोग आपस में जब कनेक्ट हो जाएंगे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। बाबा साहेब कहते कहते चले गए कि संगठित रहो संगठित रहो, हम संगठित तो हुए नहीं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, रश्मि क्लियर है बिल्कुल। आवाज तुम्हारी थोड़ा आवाज बढ़ा लो, तेज बोल रही है आपकी आवाज, तो माइक नजदीक रखिए या फिर थोड़ी आवाज बड़ी करिए। जी, बाबा साहब हमसे कहते हुए चले गए कि संगठित रहें संगठित रहें, हम संगठित तो हुए नहीं, लेकिन हम बहुत सारे न जाने कितने लाखों संगठनों में हम बट गए। इसी प्रकार से हम 6,000 लगभग 6,000 जातियों में बटे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इतने सारे संगठनों के होते हुए, छोटे बड़े लाखों की संख्या में संगठनों के होते हुए, हमारे अधिकार हमसे क्यों छीनते जा रहे हैं? क्या इन संगठनों ने कोई काम नहीं किया? क्या इन नेताओं मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया? अब समय आ गया है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। अब इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वी द पीपल संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं। पहले हम खुद जुड़ें, फिर अपने परिवार को जोड़ें, रिश्तेदारों को जोड़ें। जब इस प्रकार से हम कनेक्ट हो जाएंगे तो हम कुछ हासिल कर पाएंगे। जो हमारे अधिकार हमसे धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं, हम उनको पूरी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल, मेरा ही नहीं, हर वी द पीपल जो इस संघ से जुड़ा है, हर वी द पीपल का है कि जो ये संगठन थे, आज मैं इन संगठनों के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। प्लीज मैं माफी चाहती हूँ, किसी को बुरा लगे तो प्लीज इसके लिए सॉरी। ये मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हमारी महापुरुषों की फोटो भी एक थी, उद्देश्य भी एक, विचारधारा भी एक, तो हम सब लोग इन संगठनों में बट गए। संगठनों में बटने के बाद हमारे अधिकार, हमारा संविधान हमसे छिनता क्यों जा रहा है? मेरा क्वेश्चन है, हर वी द पीपल का क्वेश्चन है कि हमारे अधिकारों का हनन क्यों होता जा रहा है? मैं यही पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। अब इन संगठनों से कुछ नहीं होने वाला है, हम सब लोगों को इस मुहिम में आगे आना होगा, ताकि जो भी हमारे अधिकार अभी बचे हैं, जो भी धीरे धीरे हमारे हमसे छिनते जा रहे हैं, वो हम इनको बचा पाए। वी द पीपल ने जो ये बीड़ा उठाया है, हम सबको, हालांकि इन जितनी भी आज हमारी महिला शक्ति जुड़ी हुई है, सबको बराबरी का हिस्सेदारी निभानी होगी, ताकि हम इस मुहिम में आगे बढ़ के अपने पुरुष भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। अगर हम अब भी नहीं जुड़े तो वाकई में हमारे साथ बहुत कुछ गलत घटने वाला है। इस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना, इससे पहले कि हमारे साथ कुछ गलत हो, हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। नहीं तो हम बाबा साहेब के, जो हमें बाबा साहेब संविधान में देकर गए थे, हम बाबा साहेब के सपनों का संसार नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें इस संघ में जुड़ना होगा। जुड़ना क्यों होगा? देखिए, ये बहुत जरूरी है। इस कंसेप्ट के माध्यम से महिलाओं को भी पता चलना चाहिए, जितने भी हमारे अधिकार हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा हो, सब चीज इतनी महंगी हो रही है, नौकरी हमसे छिनती जा रही है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होने के कगार पर है। इतनी हमारे देश में हमारे समर समाज के लोगों के साथ, बहन बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार होता है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो समर समाज है, उसको न्याय दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। जो हमारे समर समाज में जो लोग हैं, उनको क्या स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार है? सब कुछ खत्म हो गया है। अगर हम अब भी इकट्ठा नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे गले में हांडी होगी और हमारे कमर के पीछे झाड़ू होगी। तो इससे पहले ये सब नौबत आए, सतर्क हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए हम सब लोग। मैं अब भी यही कह रही हूँ कि पहले हमें बाहर नहीं ढूंढना है कि हमें कि बाहर हम लोगों को इकट्ठा करें, पहले हमें अपने परिवार को इकट्ठा करना है, परिवार के बाद हमें अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करना है, अपने मित्रों को इकट्ठा करना है। जब हम लोग एक चेन बना लेंगे, उसके बाद हमें शहर में, गांव में, जिले में, तहसील में
राज्यों में इकट्ठा होना, जिस प्रकार से हमारी फिजिकल मीटिंग से लग रही है। अभी लखनऊ में डॉक्टर्स की एक संगति विद पीपल की आयोजित हुई थी, बड़ी सफल रही। इसी प्रकार से हमें फिजिकली मीटिंग्स को लगाना होगा, और ताकि हम इन मीटिंग्स को लगाएं और इस कंसेप्ट का प्रचार प्रसार करें। जिस प्रकार से हमारे सभी भाई बहन आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इसी प्रकार से हमारी बहनों को भी, क्योंकि आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी समाज का, जैसा कि मैंने देखा है, जिस समाज की महिलाएं जागरूक होती हैं, वहां की स्थिति और विकास करती है, वहां का समाज काफी विकास करता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से और समाज की महिलाएं हर क्षेत्रों में आगे हैं, इसी प्रकार से हमें इस मुहिम के साथ महिलाओं को आगे आना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को, अपने भविष्य को कुछ दे पाएं। हमारा संविधान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, वरना हमारा खत्म होना तय है। जैसा कि मुझे, मैं इस कंसेप्ट के माध्यम से सुनती हूँ, सुनना ही क्या है, सब ये तो सब चीज हमारे सामने ही है कि अगर हमारा संविधान जिंदा है तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमें इस मुहिम के साथ जुड़ना है। और दूसरी बात, कुछ इस कंसेप्ट में जो भी समर संघ, जो भी विदा पीपल हैं, इन सबको ये नियम फॉलो करने हैं जो कि विदा पीपल ने रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। जिस प्रकार से कि विदा पीपल समर संघ में कोई नेता मंत्री नहीं होता है, कोई अध्यक्ष नहीं है। विदा पीपल समर संघ में किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई सहायता शुल्क लिया जाएगा। तीसरी बात, विदा पीपल समर संघ में कोई नेता नहीं है, अगर नेता है तो सिर्फ हमने अपने संविधान को ही नेता माना है, उसके ही दायरे में रहकर हमें सारे कार्य करने होंगे। यहाँ पर कोई न माइक है, न माला है, न मंच है, यहाँ पर कोई VIP कल्चर नहीं होगा। अगर यहाँ पर इस समर संघ के अंदर सभी लोग समान होंगे, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, किसी प्रकार का कोई भी, मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, सभी समान है। और विदा पीपल समर संघ में कभी भी, विदा पीपल समर संघ में कभी भी, क्या कहते हैं, विदा पीपल में कभी भी कोई जाति, किसी प्रकार का जातिवाद, क्षेत्रवाद नहीं होगा, इसको कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। विदा पीपल संघ में हर शनिवार को अपने समर लोगों से मिलना जुलना भी, इकट्ठा होना अनिवार्य है। विदा पीपल में केवल पहला और आखिरी एक ही प्रमोशन है, जो कि जिसको नाम दिया गया स्पोक का। तो स्पोक का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर मैं इस विचारधारा को समझ गई हूँ और कंसेप्ट को समझ गई हूँ, मैं इसमें काम करना चाहती हूँ, तो मुझे आगे आना होगा, लोगों को इकट्ठा करना है, तो इसी को स्पोक नाम दिया गया है। और इसमें हमें अपना खाना, खर्चा, किराया स्वयं ही वहन करना है। हमें किसी से भी किसी प्रकार का कोई सहायता पैसे के रूप में नहीं लेनी है, हमें अपने सारे ही खर्चे खुद वहन करने हैं। इसी प्रकार से आज जो यही कंसेप्ट है और यही रूल्स हैं विदा पीपल के, और जिस प्रकार से आज महिला विशेष है, हर महीने की हर तारीख 10-20 तारीख को महिला विशेष होती है, तो मैं अपने समाज की महिला शक्ति से मैं ये अनुरोध, विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, क्योंकि जिस भी समाज की महिला जागृत हुई है, वहां का विकास निश्चित ही 100% हुआ है। तो मेरे समाज की महिला बहुत जागृत है, उसको आगे आना ही होगा। अगर हमें अपने बच्चों को शिक्षा, रोजगार और ये सब चीज देनी है, अपने संविधान को बचाना है, तो हम महिलाओं को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। अब कोई अंबेडकर, कोई बाबा साहेब पैदा होने वाला नहीं है, अब हमें ही अपने आप को बचाना होगा। हमें ही अपने सब कुछ जो हमसे छिनता जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम महिलाओं को आगे आना होगा। महिलाओं को बाबा साहेब ने कितने सारे संविधान में विशेष अधिकार पुरुषों से ज्यादा दिए, ये बात महिलाओं को पता होनी चाहिए। चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, हर कम्युनिटी की महिलाओं को बाबा साहेब ने विशेष अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों को ध्यान में रखकर अपने बहुजन महापुरुषों का जो हमारे ऊपर त्याग है, जो कर्ज है, वो उस कर्ज को हम कैसे चुकाएं, आज वक्त है कि हम उस कर्ज का 1% भी अपने समाज को दे पाए, या उनके या हमारे जो अधिकार हैं जो छिनते जा रहे हैं, अगर उनको हम बचा पाएंगे, तो जो बाबा साहेब हैं वो हमें कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, जो हमारे बहुजन महापुरुष हमें देख रहे होंगे कि भाई हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ा लिखा समाज है, आज वो आगे आ गया है, वो जागरूक हो गया है, वो जान गया है। क्योंकि अगर बाबा साहब ने भी ये बात कही थी कि अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है, तो मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है। इस चीज को हमें बिल्कुल पूरी तरीके से, इस लाइन को खत्म करना है। पढ़ा लिखा समाज ही आगे आएगा,
अपने देश को अपने समाज को जागरूक करेगा और जो भी हमसे अधिकार जितने भी छिनते गए हैं उनको हम पूरा करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हैं। बस जरूरत है तो हम सबको एक भीड़ की एक 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 हुजूम की जरूरत है, एक एक संकल्प की जरूरत है कि आइए हम सब लोग मिलकर इकट्ठा हो जाएं। और जिस प्रकार से बार बार हमसे ये कहा जाता है या बताया जाता है कि 2 अप्रैल को हम लोग इकट्ठा हुए थे और हमने अपना एक संविधान में जो हमें अधिकार दिया था वह हमने बचा लिया था। वहां पर तो कोई नेता नहीं था, वहां तो कोई मंत्र ही नहीं था, सिर्फ हम लोग इकट्ठा ही तो हुए थे। एक बार हम इकट्ठा हुए थे, हमने अपना एक संविधान में अधिकार बचा लिया। इसी प्रकार से हमें हमेशा के लिए एक चेन को कायम करना है, जुड़ना है, ताकि हम हमेशा के लिए इकट्ठा हो जाएं और कोई भी हमारे पर प्रहार करे तो उसका हम इस तरीके से उसको ऐसा कर दें कि वो जीवन भर भी पानी ना मांगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी अपनी महिला शक्ति से कि पुरुषों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। अब समय बहुत कम है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है तो हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। अब कोई हमें बचाने के लिए आने वाला नहीं है। तो प्लीज मेरी सभी बहनों से विनती है कि ये जो हम अंधविश्वास में और ये जो कुरीतियों में फंसे पड़े हैं इनसे दूर निकलिए। इन सबको, इन सभी अंधविश्वासों को, इन पाखंडवाद को इन जनरल कम्युनिटी के लोगों को सौंपिए। आइए इन सब चीजों से बाहर निकलिए, अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़िए, उनकी बायोग्राफी को पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे बहुजन महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या किया है, कितना कुछ करा। अगर वो भी हमारी तरह इतना सब कुछ पढ़ लिखने के बाद वो भी तो चाहते तो अपनी महल कोठियों में रहते, अपना अपना सोचते, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ किया। लेकिन हमने धीरे धीरे गवा दिए। कोई बात नहीं, अभी समय है, अगर हम लोग एक साथ जुड़ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत कुछ बच जाएगा। ऐसी मेरी आप सभी से आशा है। सारी महिलाएं जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं। और जो ये 10-20-30 तारीख को जो महिला विशेष होती है, मैं तो ये कहती हूँ जब भी समय मिले आप लोग जुड़िए, घर में ही तो हैं, हमें कहीं बाहर तो जाना नहीं पड़ रहा है, तो घर में जुड़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम सीखेंगे, सुनेंगे तो कल हम बोलेंगे भी, कंसेप्ट बताएंगे, स्पोक बनेंगे। तो इसी प्रकार से हमें अपनी महिलाओं को जोड़ना है, परिवार को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, मित्रों को जोड़ना है। इसी तरीके से ही ये क्रम हमारा बढ़ता जाएगा, हम लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते चले जाएंगे। हमारा संघ बहुत तेजी से विकास कर रहा है, महिलाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बार बार अपील कर रही हूँ कि हमारे समण समाज की महिलाएं अगर जागरूक हो गई तो शायद ही हमें कोई रोक पाए। हम इस मिशन को बिल्कुल 100% कामयाब करके छोड़ेंगे। तो मेरी बार बार अपील है, और इन सब कुरीतियों से बचें आप लोग, इन सबको दे दें कम्युनिटी को, जनरल कम्युनिटी को, भाई तुम्हारा था तुम ही ले लो इनको, हमें जरूरत नहीं है इन सब की। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बहुजन समाज के जीवनी महापुरुषों की पढ़ें, माता रमा बाई को पढ़ें, सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ें, ज्योतिबा फूले को पढ़ें, पेरियार स्वामी जी को पढ़ें, इन सबको ही पढ़ लीजिए। सब कुछ ना आपके समझ में आ जाए तो कहना, बहुत कुछ इन लोगों ने झेला है हमारे लिए, अब कोई नहीं आने वाला है। इसलिए प्लीज हम लोगों को अब बचना है, हमें खुद को बचाना है, तो इसलिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और जितनी जल्दी हम लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। तो सो प्लीज मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो जाइए ताकि जो भी कुछ हमारा छिनता गया है वह हम उसको बचा लें। जी, सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू, बहुत अच्छा, साधु साधु बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस साधु साधु। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए,
या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami.